एस्ट्रोनॉट जो हमेशा स्पेस में ही रहते हैं उनको साल में सिर्फ एक ही दिन छुट्टी मिलती है। क्या आपको पता है ये स्पेस में छुट्टियां कैसे मनाते हैं? और साउथ अटलांटिक में दुनिया का सबसे पुराना कछुआ है और कुत्ते 150 से भी ज्यादा इंसानी भाषा के शब्द समझ सकते हैं। और जापान में एक आइसलैंड है जो आइसलैंड पूरा का पूरा रैबिट का है और यहाँ पे सिर्फ रैबिट की ही आबादी है। और एक घर ऐसा है जहाँ पे ग्रेविटी बहुत लो है इसलिए वो घर टेढ़ा हो गया है। और प्लेटिपस नाम का एक जीव है जिनको अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए निप्पल नहीं होती। इस वीडियो में आप ऐसा फैक्ट जानोगे कि आपकी जीके पावर बूस्ट हो जाएगी। नंबर वन, आपने अलग अलग प्रकार के घर तो बहुत देखे होंगे जैसे पत्थर के, ईंट के, सीमेंट के, फाइबर के, वुडन के, ये सभी प्रकार के घर आपने देखे ही होंगे। लेकिन जेम्स मे नाम के व्यक्ति ने टू स्टोरी नाम का घर बनाया और वो घर पूरा का पूरा प्लास्टिक के छोटे छोटे क्यूब से बनाया था। प्लास्टिक के क्यूब जिसे लीगो कहते हैं, जो बच्चे को खेलने के लिए होते हैं, जिससे छोटे छोटे घर बनाते हैं, उस छोटे लीगो से इसने दो मंजिले का घर बनवाया। नंबर टू, झींगा मच्छी जो होती है उनका शरीर टू सेक्शन में डिवाइडेड होता है। एक हिस्से में उनकी पूंछ शामिल होती है और दूसरे हिस्से में उनका सर, पेट और हार्ट शामिल होता है। लेकिन झींगा मच्छी एक ऐसा जीव है जिसका हार्ट उनके सर पर होता है, उनकी आंखों के पीछे उनका मस्तिष्क पर हार्ट होता है। नंबर थ्री, आपने ऐसे लोग तो बहुत देखे होंगे जो अपने पैर ऊपर करके सर पर खड़ा रह सकते हैं। लेकिन चाइना में ली लोंग लोंग नाम का व्यक्ति ना केवल अपने सर पर खड़ा रहता है बल्कि अपने सर को चला भी सकता है और सीढ़ी भी चढ़ा सकता है। इस व्यक्ति ने 37 सीढ़ी के कदम बिना गिरे बैलेंस रखते हुए चल के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। नंबर फोर, रूबिक क्यूब सॉल्व करने में हमें घंटों लग जाते हैं लेकिन फेलिक्स जेम्डक नाम का एक लड़का है जिसने 4.22 सेकंड में, मतलब 5 सेकंड से भी कम समय में रूबिक क्यूब सॉल्व कर दिया। और चाइना में यूसेंग यू नाम का एक लड़का है जो सिर्फ 3.47 सेकंड में रूबिक क्यूब सॉल्व कर देता है, 4 सेकंड से भी कम समय में। इस छोटे से लड़के ने आज तक 71 गोल्ड मेडल, 47 सिल्वर मेडल, 33 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नंबर 5, यूनाइटेड स्टेट में एक शहर है। इस शहर की पॉपुलेशन 2500 लोगों की है और इस शहर का नाम सांता क्लॉस है। और इस शहर के सभी प्लेसेस और सभी घरों में सांता क्लॉस का स्टैचू रखा गया है, मतलब आप जहां भी जाओ वहां पे आपको सांता क्लॉस मिलेगा। नंबर 6, ये प्लेटिपस एनिमल पानी में रहता है। पूरी धरती पर ये एक ही एनिमल ऐसा है जिनको दूध पिलाने की निप्पल नहीं होती, मतलब प्लेटिपस को उनके बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन नहीं होते। ये अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए अपने पूरे शरीर में से दूध रिलीज करते हैं और उनके बच्चे स्किन को चाट कर अपना पोषण करते हैं। नंबर 7, ये एक गजब का कोइंसिडेंस है। ये तीनों व्यक्ति यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जॉन एडम्स यूएस के दूसरे प्रेसिडेंट थे, थॉमस जेफरसन ये तीसरे प्रेसिडेंट थे और जेम्स मोनरोय ये पांचवे यूएस के प्रेसिडेंट थे। इन तीनों की मौत एक ही तारीख को हुई थी, 4 जुलाई को। और ये जो 4 जुलाई है वो यूएस का इंडिपेंडेंस डे था, मतलब इन तीनों प्रेसिडेंट की मौत जब हुई तब यूएस का इंडिपेंडेंस डे था। नंबर 8, ये देखो ऐसे टेढ़े घर कभी आपने देखा है? ये घर इसलिए ऐसा है कि यहाँ पे ग्रेविटी इतनी लो है कि इंसान अपने पैर के अंगूठे पर भी खड़ा रह सकता है। इस घर का नाम है मिस्ट्री स्पॉट, कैलिफोर्निया के सांता क्रूज में ये स्थित है। नंबर 9, सभी एनिमल में इमोशन और इतनी सेंस होती है कि अगर उनके परिवार या उनकी जाति का कोई भी जानवर मरता है तो वो शोक व्यक्त करते हैं और दुखी होते हैं। लेकिन हाथी उन कुछ जानवरों में से एक है जो उनके जाति के सदस्यों को मरने के बाद ना केवल रोते हैं और दुखी होते हैं बल्कि वो अपने मृतकों के लिए कब्र बनाते हैं और उनको दफनाते हैं और उनको डकते भी है। नंबर 10, अमेरिका में पिज्जा खाने के शौकीन लोग बहुत है। अमेरिका में 17% ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ पे सिर्फ पिज्जा ही बेचा जाता है। अगर वहाँ पे पिज्जा सेलिंग का काउंट करें तो हर सेकंड पे 350 स्लाइसिस पिज्जा हर सेकंड पे सेल होता है। नंबर 11, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, वो विस्की बनाने में काफी माहिर थे। वास्तव में जॉर्ज वाशिंगटन ने माउंट वेर्नर में
11,000 गैलन्स डिस्टिलरी विस्की बनाई थी और बेची भी थी। नंबर 12, समुद्र में एक सी ककंबर नाम का जीव होता है जो दिखने में सब्जी जैसा लगता है, लेकिन वो खुद का बचाव करने के लिए अपने शरीर में से इंटरनल ऑर्गन को बाहर निकालते हैं, लेकिन ये इतने इंसान के लिए घातक नहीं होते। नंबर 13, अमेरिका के मशहूर टीवी टॉक शो के कलाकार जेरी स्प्रिंगर का जन्म 1944 में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान लंदन के सबवे मेट्रो स्टेशन में उनकी माँ ने उनको जन्म दिया था, और जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था तब बमबारी से बचने के लिए बहुत सारी प्रेग्नेंट महिला यहाँ पे रहती थी। नंबर 14, ग्रीनबैक वेस्ट वर्जीनिया यूएस में मोबाइल फोन और कोई भी वायरलेस चीज ले जाना मना है, क्योंकि वहाँ पे वायरलेस सिग्नल अलाउड नहीं है। वहाँ पे रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप है, इससे हमारे सोलार सिस्टम की इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहती है, जिससे कोई वायरलेस नेटवर्क इंटरफेयर उसमें ना कर सके, इसलिए वहाँ पे वायरलेस नेटवर्क अलाउड नहीं है। नंबर 15, क्या आपको पता है पृथ्वी पर कितनी चींटियां होगी? पूरी धरती पर जितनी पॉपुलेशन इंसान की नहीं है उनसे अधिक चींटियां पृथ्वी पर रहती है। इंसान की पॉपुलेशन 7.2 बिलियन है और चींटियां 10,000 ट्रिलियन से भी ज्यादा पृथ्वी पर रहती है। नंबर 16, शिकागो में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है विलिस टावर। ये बिल्डिंग जमीन से 1,353 फीट ऊपर है, मतलब आधे किलोमीटर से भी लंबी बिल्डिंग। अगर इस बिल्डिंग के टॉप पर जाके देखे तो वहां से चार अलग अलग स्टेट देखने को मिलते हैं। नंबर 17, जापान में एक इसलैंड है उकुनोशिमा जो पूरा रैबिट इसलैंड है। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान यहाँ पे एक फैक्ट्री के गैस से जहर फैल गया था, तब यहाँ पे सिर्फ 5 ही रैबिट थे, एक मेल और 4 फीमेल। तब से खरगोश की आबादी बढ़ते बढ़ते आज 1000 रैबिट तक पहुँच गई है। पहले यहाँ पे इसलैंड पे कोई भी नहीं जाते थे और आज ये मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। नंबर 18, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार कुत्ते इंसानी भाषा में 150 से भी ज़्यादा शब्द को समझ सकते हैं। एक बच्चे की तरह कुत्ते भी अन्य जानवर को धोखा दे सकते हैं और उनकी भाषा भी समझ सकते हैं। नंबर 19, साउथ अटलांटिक में सेंट हेलेना में दुनिया का सबसे पुराना जोनाथन नाम का कछुआ है। ये कछुआ 187 साल पुराना है और ये कछुआ 187 साल से इसी फैमिली के साथ रहता है। नंबर 20 से पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि अगली वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नंबर 20, एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में ही रहते हैं और अंतरिक्ष में हर रोज यात्रा करते हैं, उन्हें क्रिसमस के एक ही दिन पे छुट्टी दी जाती है और अंतरिक्ष में उनके साथ छुट्टियां मनाने के लिए धरती पर से लोगों को भी भेजा जाता है और उनको क्रिसमस के दिन गिफ्ट और ओकेशन कपड़े भी भेजे जाते हैं ताकि वो अंतरिक्ष में लोगों के साथ छुट्टियां मना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।